बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पिशावरी किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जी पिशावरी किचन में आपके लिए एक और जबरदस्त सी कीमे की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बना रहे हैं आतिशी कीमा, जो कराची का बहुत मशहूर वहाँ पे ये रेस्टोरेंट में कीमा बनाया जाता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए 1 किलो कीमा। ये बीफ का कीमा है, इसके अंदर फैट नहीं है, ये चर्बी वगैरह नहीं है, सिर्फ बोटी का कीमा बना हुआ है। इसमें जो चीजें जाएंगी, यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून नमक ले लिया है, 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने लहसुन ले लिया है पिसा हुआ, और गार्लिक जिंजर का जो पेस्ट है वो 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ ले लिया है। इसमें जाएंगी सब्ज़ मिर्च जो है वो आप 4 से 5 ले सकते हैं, 1/2 टेबल स्पून इसमें अगेन गार्लिक जिंजर का पेस्ट जाएगा, और रेड चिली पाउडर यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 टेबल टीस्पून, और यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 3 टमाटर लेके उनको ब्लेंड करके रख लिया, और इसके अंदर जाएगा पानी। तो यहाँ पे गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, तो इसके अंदर हम डाल देंगे ये नमक, गार्लिक जिंजर का पेस्ट और गार्लिक का पेस्ट, गार्लिक इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा, तो ये डाल के इसमें के अंदर डाल देंगे हम पानी। 2 कप पानी मैं डाल दूंगी, और इसको फुल फ्लेम पे हम रख देंगे 10 मिनट के लिए पकने के लिए। कवर करके इसको मैं रख दूंगी, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, और कीमा जो है वो मेरा फ्रोजन है, तो अब इसको करेंगे कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे फुल फ्लेम पे। तो 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे जी इसको पकते हुए हो चुके हैं 10 मिनट, तो देखें कीमा जो है वो इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब ये जो पानी इसमें है, अब इसको विदाउट कवर किए पकाएंगे, ताकि इसका ये जो पानी ये ड्राई हो जाए, फिर इसके बाद इसमें ऑयल डालेंगे। हाँ जी, इसको यहाँ पे विदाउट कवर किए 10 मिनट तक पकाया, इसके अंदर जो पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी, आप घी यूज़ करते हैं आप घी भी डाल सकते हैं, यहाँ 200 ml मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑयल, और इस ऑयल डाल के इसके साथ मैं इसकी 5 मिनट के लिए बुनाई कर लूँगी इस ऑयल के साथ, फिर इसके अंदर जो है मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो अभी पहले 5 मिनट इस ऑयल के साथ मैं इस कीमे को भूनूंगी। यहाँ पे भी कीमे के साथ ऑयल मिक्स करके 5 मिनट मैंने इसकी बुनाई कर दिया। अब इसके अंदर जो मैंने आपको 3 टमाटर बताए थे, आपके पास फ्रेश हो तो आप उनको बारीक स्लाइस में काट लें, मेरे पास फ्रोजन थे तो मैंने उनको ब्लेंड कर लिया हुआ है। तो अब इसके साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इन टमाटरों को भी 5 मिनट इसके अंदर मैं बुनाई करूंगी कीमे के साथ, और उसके नीचे फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम कर दी है, ये अभी तक फुल फ्लेम पे पकता रहा है, अब इसके नीचे मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम की है। 1-2 मिनट इसको इसके साथ बुनाई करके इसमें मैंने जो 1/2 टेबल स्पून आपको गार्लिक जिंजर का पेस्ट बताया था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 20-1 मिनट इसकी मैं बुनाई कर लूँ। अभी जी यहाँ पे मैंने टमाटर डाल के 1 मिनट इसकी बुनाई कर दी, अब इसमें ये 1/2 टेबल स्पून गार्लिक जिंजर का पेस्ट बताया था ये डाल दूँगी, और इसको इसके साथ मिक्स करके इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, ताकि टमाटर और गार्लिक जिंजर का जो पेस्ट डाला है ये, और इसमें मैं अभी साथ में ही रेड चिली भी ऐड कर दूँगी जो आपको बताई थी, ये 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर था ये भी मैंने ऐड कर दिया इसके साथ ही, और इनको मैं 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए, और फिर इसके बाद 5 मिनट के बाद इसमें मैं हरी मिर्चें डालूँगी, तो इसको भी मैं 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी, और उसके नीचे फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम कर दी। यहाँ पे जी इसको 5 मिनट हो गए, तो इसको अभी चेक कर लेते हैं, देखें ऑयल ऊपर आ गए। अब इसके अंदर ये जो मैंने आपको कढ़ाई वाली मिर्चें बताई थी ये डाल देंगे, मैंने इनको 2 पीसेस में काट दिया, आप फुल भी डाल सकते हो। तो उसके साथ मिक्स करके इसको मैं फिर बिल्कुल स्लो मीडियम फ्लेम पे रख दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए, फिर उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ जी 5 मिनट हो गए हैं, इसको सब्ज़ मिर्चें डाल के हमने इसको 5 से 6 मिनट दम पे छोड़ दिया था,
देखिए कितना ज़बरदस्त मज़ेदार सा हमारा शुरमा बनकर रेडी हो गया। तो अब इसको मैं डिश आउट कर लूँगी, बस किमची जुकने में आपको ऑफ कर देंगे। ये जी मैंने ज़बरदस्त मज़ेदार सा आतिशी कीमा बनकर रेडी हो गया है, मैंने डिश आउट कर ली है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।